सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। ऐसा सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कईयों टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत की, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। चाहते तो खूब रहे नयनों के सागर में, डूबकर गोते लगाएं बार बार हम। सुने मेरे युवा मित्र बैठे हैं, चाहते तो खूब रहे नयनों के सागर में, डूबकर गोते लगाएं बार बार हम। पूनम के चंद्रमा को जीभर निहारें और बाहों में अपनी झुलाएं बार बार हम। रूप यौवन की मदकाती मादकता में मनवा का मयूरा उड़ाएं बार बार हम। लेकिन हमारा पसीना सूखता ही नहीं, कितना भी इसको सुखाएं बार बार हम। लेकिन हमारा पसीना सूखता ही नहीं, इससे हूं इसमें ही मिलना पड़ेगा मुझे, इसीलिए खुद को न्यौछार करता हूं मैं। इससे हूं इसमें ही मिलना पड़ेगा मुझे, इसीलिए इस पे न्यौछार करता हूं मैं। लेती है बलैया मेरी मातृभूमि दुलरा के, इसीलिए इसको दुलार करता हूं मैं। होती है थकान तब इसके ही आंचल में, लेटकर बातें कई बार करता हूं मैं। माथे का पसीना मेरा चूमती है मातृभूमि, इसीलिए इसको ही प्यार करता हूं मैं। कोख आपकी है एक माई एक बाप एक, पालने की लोरियां भी एक साथ एक हैं। खेल व खिलौना एक, जागना व सोना एक, आपका बिछौना एक, एक देख रेख है। एक ही है खानदान एक सा है खान पान, देह दो है एक जान याद भी अनेक हैं। भाई को बनाओ शत्रु चाहे तो बनाओ मित्र, चाहे जो बनाओ चित्र आपका विवेक है। कैसे बनेगा मेरा देश, एक छोटी सी रचना दो तीन मिनट की निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय कुमार मनोज भैया ने कहा कि एक कवि का दायित्व तो बनता है कि संस्कारों से जोड़कर जहां भी जाए, जिस शहर में भी जाए, वहां पर छोड़ के जाए। मैं पूरा प्रयास करता हूं और माँ भगवती के चरणों में खड़े होकर निवेदन कर रहा हूं कि परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामा दल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भरत वंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सिया संग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। तो
तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना, रामायण के कैकई मंथरा के किरदार न दोहराना, कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना, दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना, परिवारों में कलह कपटता का प्रवेश नहीं रखना, ये कलह कपटता स्वार्थ तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी, 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रहे हैं जी। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता प्रथवेश कहलाते थे वो, 10 दिशाओं में हुकुम चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर पर देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे, वही दशरथ आज चौथे पन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे, तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो, एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता, एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है, तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं, परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का, छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया, राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को, लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर, 4 थे चारों निभाते आन थे रघुवंश की, और बचाते शान थे भागीरथों के अंश की, 4 थे चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रही। एक राजा की पुत्री एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थी उसके विषय में क्या कहूं, जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, हमें 1600-1500 रुपए के किराए के कमरे पे दिल्ली जाना होता है शादी के 1.5 साल बाद, एक राजा की पुत्री एक राजा की बहू वो पति के प्राण थी उसके विषय में क्या कहूं, जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए, एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो उस निर्णय पे इतराने लगी, उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर, थी भवानी आदि जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी, एक तर्क रखता हूं मंच का ध्यान चाहता हूं, थी भवानी आदि जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी, परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई, पति भी भटकते ही रहे वो भी कभी खुश ना रही, परिवार छोड़ा था उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला, वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला, परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई, परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के विधंग, परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर दोह के चाबुक मिले, परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गईं, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गईं। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से, दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से, सीख हस्तिनापुर से सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से, तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से,
क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो, तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।